अनाउंसमेंट के बाद आज लाइव आए हैं। वेलकम यू ऑल। आइए आइए, अनिकेत यादव मेरे छोटे भाई, प्यारे भाई, लव यू। दोस्तों हमारा छोटा भाई अनिकेत, बड़ा प्यारा भाई, बड़ा प्यारा इन्फ्लुएंसर अनिकेत यादव, राव साहब। आज राव साहब के टॉपिक पे ही बात करेंगे। आप लोग बड़े पैनिक हो रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं एल्विश जेल से बाहर आया नहीं आया। करेंगे बात, करेंगे, इतना चीज़ें ख़राब ना करें। सबसे पहले तो आप मेरे को यार प्लीज़ आप बताएं, एम आई ऑडिबल? आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? अनिकेत लव यू मेरे भाई, छोटा भाई है हमारा, बड़ा प्यारा। हमारे विवेक भाई हैं अनिकेत भाई के गार्जियन, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और थैंक यू यार, ऐसे दोस्त मिलते हैं, ऐसा प्यार मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, कि लगता है कि हाँ हमने जीवन में कुछ कमाया है। मैं चाहूँगा आप लोग ऐसा ही प्यार, ऐसा ही भाईचारा बनाए रखें। आपसे मुझे प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ कुछ आर्मी है मेरे पास, मैंने कुछ लोग जोड़े हैं। थैंक यू अनिकेत फॉर बीइंग विद मी ब्रो। मेरा नाम भी ले लो शुभम सिंह। डराओ मत यार, आज खुशी का दिन है। आपको पता है ना आज क्या हुआ है? खुशी मनाओ भाई। थैंक यू यार। देखो मैं सबके नाम तो ले नहीं पाऊंगा, एक्चुअली जो लाइव में आया हूँ ना, मैं बोलकर आया हूँ तो सभी लोग एक्साइटेड भी हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि लाइव के अनाउंसमेंट करने के बाद आप सब लोग जुड़े। और मैं ना ऐसा कुछ चाह रहा हूँ कि आप लोगों में से कोई किसी से मैं इंटरेक्शन करूँ, प्रॉपर बात में कर पाऊँ। बड़ा केस ना अटपटा सा हुआ, आप लोग पैनिक हुए, सिचुएशन खराब हुई। थैंक यू गाइस बताने के लिए कि मेरी आवाज़ आ रही है, आप सुन पा रहे हैं ना मेरे को? एयरपोर्ट सुबह से लगा के शाम तक कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं सुन पाते, मतलब आपका बैटरी डाउन हो जाता है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा आप सभी को। अभी कम लोग हैं यार, बहुत कम लोग जुड़े हैं। इतना खुशी का माहौल है, अच्छा माहौल है, चीजें बेहतर हुई हैं और बेहतर होने के बाद भी आप सब लोग मेरे को डीएम करते हो, मैसेज करते हो यार, मैं नहीं कर पाता रिप्लाई आप सभी लोगों के, क्योंकि बड़ा एक अनवांटेड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इतने मैसेजेस का रिप्लाई करना, डीएम्स का रिप्लाई करना। क्योंकि मुझे पता है जिस तरीके से आप लोग पैनिक थे, मैं भी पैनिक था, सिचुएशन थोड़ी सी आउट जा रही थी, मैनेजेबल थी, थोड़ा सा मैनेज करना था। जैसा मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी कहा, कुछ लोग थे नेगेटिव कमेंट्स हमेशा करते हैं, हेटर्स हमेशा आपको ट्रॉल करेंगे, तो ट्रॉलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। ट्रॉल करने वालों ने ट्रॉल भी किया, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे। पर मैंने हमेशा, मेरा पहला पोस्ट आया जब इंस्टाग्राम पर, मैंने पोस्ट किया जेल के गेट से। मैं सोच रहा हूँ यार, मैं आप में से किसी को जोड़ लूँ, फिर हम शुरू करें कि पूरी कहानी क्या थी। भाई मैंने एक का तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, पर अच्छा शायद आए हैं प्रिंस।
जी भाई कैसे हैं? भाई हेलो आपको फोटो आकर आपका नेटवर्क क्लियर नहीं है भाई। आपका स्लो आपका आ नेटवर्क रहा है ना? क्लियर मेरा ठीक आ रहा है। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क ब्लर जा रहा है। भाई शुरू करते हैं पहले दिन से। पहले दिन जब हम जेल पर गए, पहला फोटो हमने डाला, पहला फोटो हमने डाला जेल के बाहर से। सभी लोगों से अपील की, आप लोग धैर्य रखें, शांत रहें, पैनिक ना हो, क्योंकि देखिए मैं समझ सकता हूँ, जो फैमिली है, फैमिली भी जा रही थी और फैमिली के इमोशंस भी मीडिया के थ्रू, हर चीज के थ्रू बाहर आ रहे थे। तो बड़ा एक कठिन समय होता है। मैं समझ सकता हूँ कि जो एक बॉर्न क्रिमिनल नहीं है और उसके साथ ये चीजें होती हैं, तो बड़ा एक अजीब सा माहौल हो जाता है। तो वो लोग भी परेशान थे, जो फैन बेस है, जो एलविश आर्मी है, बाकी लोग हैं, सब परेशान थे। एश्योर किया हमने कि थिंग्स विल बी मैनेज्ड, आप लोग धैर्य रखें, सिस्टम पर भरोसा रखें। सिस्टम चलेगा, सिस्टम चला नहीं, सिस्टम दौड़ा है। दौड़ा हम क्योंकि जिस हिसाब से है। मीडिया ट्रायल था, प्रेशर था, बहुत से दोस्त थे तो बहुत से दुश्मन भी थे। सब लोगों को सेटिस्फाई करना, चीजों को सेफली लेकर आना, सिस्टम के अंदर क्या चीजें रही, सब चीजों को सेटल डाउन करने में टाइम लगता है। तो आप लोग बाहर रहकर पैनिक हुए, तो वो पैनिक होना मैं समझता हूँ, बनता है आपका। आप किसी को प्यार करते हैं तो आप उसको परेशानी में नहीं देख सकते, आप अपनी फैमिली को, माँ बाप को आप नहीं देख सकते। तो आप लोग पैनिक हुए, आपका पैनिक होना जायज है, पर अगर उन चीजों को सॉर्ट करने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको भरोसा करना चाहिए। देखिए हर टीम का एक लीडर होता है और लीडर काम करता है। लीडर जो भी रहे हो, अभी एलविश बाहर आएगा तो चीजें भी बाहर आएंगी, किसने क्या किया क्या नहीं किया, एलविश भी बताएगा, सब कुछ बताएगा। तो चलिए खैर उन चीजों पे नहीं जाएंगे। तो फाइनली मैं सभी को बताना चाहूंगा, अभी हमारा जो नोएडा केस था, अल्विश यादव का स्नेक वैनम केस, रेव पार्टी केस, उस केस से हम पूरी तरह बाहर हैं। पहला क्वेश्चन जो लोग कर रहे थे, अल्विश कब आएगा, अल्विश का क्या है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जो पहला केस अल्विश का है, नोएडा रे पार्टी स्नेक वैनम, उस केस से अब हम सिक्योर्ड हैं, बेल ले चुके हैं। उस केस के अंदर कुछ बाकी नहीं है, उस केस से हम बाहर हैं और हमारा उस केस के अंदर विनय विनय अरेस्ट हुआ, ईश्वर अरेस्ट हुआ। तो विनय यादव की भी बेल हो चुकी है, ईश्वर की भी बेल हो चुकी है। विनय यादव और ईश्वर दोनों लोग बेल आउट हैं और एल्विश तो बेल आउट है ही। 50-50 हजार की श्योरिटी पे बेल हुई है, दो लोगों की श्योरिटी पे। तो बॉन्ड्स बॉन्ड्स हुए हाँ बॉन्ड्स हुए हैं दोनों, श्योरिटी श्योरिटी बोलते हैं उनको। तो जी। वो हाँ दोनों बेल हुई हैं, तीनों तीन बेल हुई हैं, दो दो श्योरिटी बॉन्ड्स पे। तो वो सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हैं, ओके हैं, गुड टू गो है। पर एक नया इसमें मोड़ आया, इसलिए मैं आपको हमेशा अभी अपडेट कर रहा था, क्योंकि सारी चीजें आप लोगों के सामने खोलना मुझे ठीक नहीं लग
कि पहले हम बाहर हो जाएं, उसके बाद मैं लोगों से बात करूं। तो थोड़ा सा ट्विस्ट आया, जैसे होता है ना कि इस एक फिल्म चलती है उसमें थोड़ा सा क्लाइमेक्स आता है, डाउन आता है, तो अभी ये हमारा क्लाइमेक्स मोड है हमारे हीरो का। तो हम नोएडा केस से बिल्कुल बाहर हैं, आप लोग अपने जहन में डाल लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए, जो हमारा नोएडा केस है, वेनम केस है, स्नेक वेनम पार्टी है, रेव पार्टी है, कुछ भी है, उससे हम बाहर हैं। हम उसमें बेल ले चुके हैं, पर एक मुकदमा गुड़गांव से, वो कहते हैं ना जब हम आगे बढ़ते हैं तो नजर लगती है लोगों की, तो हम कह सकते हैं कि एक जब इतनी बड़ी चीजें थी, लोग आगे पीछे थे, कोशिश कर रहे थे ट्रैप करने की, तो जब हम कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल करने जाते हैं तो हर्डल्स आते हैं। तो एक बहुत छोटा सा हर्डल आया है, बहुत छोटा। अभी तक मैं आपको एश्योर करता आया हूँ, सभी लोगों को अभी भी एश्योर कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा हर्डल है। ज्यादा टाइम नहीं है इस हर्डल का, और ये हर्डल बहुत जल्दी निकलेगा। एक छोटा सा केस गुड़गांवा रजिस्टर हुआ था अभी कुछ दिन पहले, एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, अलविश का मन मुटाव दिखा, तो वो एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर एक केस रजिस्टर हुआ कुछ धाराओं में, 147, 149, 323, 506। तो दोस्तों खुशी की बात ये है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सब बेलेबल ऑफेंसेस हैं, और मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इन बेलेबल ऑफेंसेस में चीजें ज्यादा टाइम तक रुक पाएंगी। कल सैटरडे है एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट कि कल हम चीजों को सेटल डाउन करें। बहुत छोटा सा मुकदमा है, किसी को थप्पड़ मारना, या किसी से द्वेष होना, किसी को अब्यूज कर देना, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। और इसमें बहुत खुशी की बात है, इसमें जो हमारे कंप्लेनेंट हैं उन्होंने सेटल डाउन भी किया है, दोनों का कॉम्प्रोमाइज भी है, तो चीजें बहुत जल्दी बहुत बेटर होंगी, बहुत अच्छी होंगी, हम चीजों से बहुत बाहर होंगे। बस मैं हमेशा पहले पोस्ट से अभी तक आपको एक ही बात बोलता आया हूँ, थोड़ा सब्र रखो। ऐसा नहीं है कि इस इन चीजों में बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा सब्र रखो। भाई वी मैं आर डूइंग पूछताछ अवर के माध्यम से आपसे, पूछताछ के माध्यम से आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं उस चीज के बारे में, आप तो रोज देखते ही हैं कि एक जब बेल हो जाती है उसके बाद जेल से निकलने में कितना टाइम लग जाता है, क्या प्रोसीजर रहता है, थोड़ा बहुत थोड़ा बताएंगे पब्लिक को। हाँ भाई देखिए, ऐसा होता है जो हमारे माननीय जज साहब की कोर्ट से बेल निकलती है, तो बेल ऑर्डर तकरीबन शाम को 4 बजे निकलते हैं, और वो जेल्स के अंदर पहुंचते हैं, फिर सारी चीजें वेरीफाई की जाती हैं, तो वेरीफाई करने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद, वो डिपेंड करता है कि उस दिन कितनी कोर्ट है, कितनी प्रोडक्शन है, कितनी रिलीज है, तो फिर इनमेट को रिहा किया जाता है। तो हाँ, पर एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, सेम डे जो इनमेट है वो रिहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की बेल आ जाए और 4 दिन बाद वो निकले। तो अगर कोई आदमी ये सोच रहा हो इस केस के अंदर कि आज बेल हो गई है, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, बेल हो गई है, बेल भी हो गई है, बेल की जो फॉर्मेलिटीज थी, जो शर्तें थी बेल्स की, वो सारी शर्तें भी पूरी कर दी गई हैं। तो सब सॉर्टेड है, आप लोग ना घबराएं, आप चिल करें, पार्टी करें, एंजॉय करें, जिस जिस तरह से आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो आप उस तरीके से सेलिब्रेट करें। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बट ये एक ये छोटा सा जो एक हम क्रिंज कह सकते हैं,
सोशल मीडिया की लैंग्वेज में ये छोटा सा जो क्रिंज कंटेंट आया है, बड़ा छोटा है और ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, तो ये क्रिंज बहुत जल्दी क्लियर होगा क्योंकि चीजें सेटल्ड हैं और सब मैनेजेबल हैं, मैनेज होंगी एज पर लॉ, एज पर रूल। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेरे को सुबह से अभी तक मैंने प्रिंस भाई 1:30 बजे रिवील किया था, कॉन्ग्रेचुलेशन दी थी दोपहर को 1:30 बजे अनऑफिशियली, जी जी क्योंकि जी मुझे मुझे इतने सारे डीएम आ रहे थे कि क्या हुआ भाई, की बेल हुई नहीं हुई। अब मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता जब तक मेरे हाथ में कागज ना आ जाए। तो दीपक जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, सारी जगह चल रहा है, न्यूज़ से पहले दीपक जी को लोग देखना चाहते हैं कि क्या आने वाला है। 10 बजे का लोग इतने बेसब्री से वेट कर रहे थे कि अब क्या आने वाला है, और न्यूज़ से नहीं पहले नहीं तो दीपक हाँ, जी। जी मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ। एल्विश की, विनय की, ईश्वर की, तीनों की बेल हो चुकी है स्नेक वैनम केस में नोएडा से। एल्विश का बाकी जो मैटर है वो कल क्लियर हो जाएगा गुड़गांव से। विनय और ईश्वर दोनों कल रिलीज होंगे नोएडा जेल से, क्योंकि आज उनकी थोड़ा सा लेट हुआ था चिट्ठी पहुंचने में, परवाना बोलते हैं उसको, परवाना पहुंचने में थोड़ा सा लेट हुआ तो इसलिए आज वो रिलीज नहीं हो पाए। तो वो दोनों लोग रिलीज हो जाएंगे कल। और जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम रिलीज होगा, छोटा सा एक ग्लिच, छोटा सा एक क्रिंज है ये गुड़गांव वाला, ये इसको भी सॉर्ट कर लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है जब हम एक पहाड़ से, हम पहाड़ से अगर निकल आए तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत जी। छोटी चीज है। और मैं यार आप सभी लोगों को, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अल्विश ने इतना प्यार कमाया आप लोगों के बीच में, और मैं थैंक यू भी करना चाहूंगा आप सभी लोगों का कि आपने हम पर भरोसा किया कि वी आर डूइंग इन दिस, वी हम अपने तरीके से जो बेहतर है वो हम कर रहे हैं और करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए यार, मुझे लगता है आप थोड़ा सा कॉपरेट सपोर्ट करेंगे ना तो हम होली एक साथ मनाएंगे, एक मीटअप रखेंगे होली का। जी, तो एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। जी, बताइए। पूछताछ क्या आज पॉडकास्ट आया, काफी लोगों के कमेंट थे उसमें कि फाजिलपुरी और एल्विश का क्या एग्जैक्टली विवाद है, उसमें हमने वो क्लियर भी करा, पर एक बार आप अपने मुंह से सारी एग्जैक्ट चीज बताइए कि कैसे क्लियर हुआ है वो सब। देखिए, जो ये जितना मुझे लगता है एज पर माय ऑब्जर्वेशन, एज पर नॉलेज, जो एल्विश है ना, एल्विश सिर्फ एक आर्टिस्ट था उस गाने के अंदर। अब आर्टिस्ट करेक्ट। हम भी रहते हैं, आर्टिस्ट हर कोई रहता है। तो ये सब देखना प्रोड्यूसर का काम है, डायरेक्टर का काम है, बाकी जो ब्रांचेज हैं किसी भी शूट के अंदर उनका काम है। अब आर्टिस्ट तो कुछ भी करेगा, आर्टिस्ट पहाड़ से भी कूदेगा, पानी के अंदर भी तैरेगा, पर उसको ये नहीं देखना कि परमिशन किसने ली है क्या नहीं ली है। उसको तो जो एक्ट दिया जाएगा वो एक्ट करेगा। और मुझे लगता है इस केस के अंदर जो एल्विश को एक्ट दिया, जैसा फाजिलपुरिया ने भी स्टेटमेंट दी, फाजिलपुरिया ने भी स्टेटमेंट दी कि उनके हिसाब से सारे जो स्नेक्स थे एग्जॉटिक थे और सबकी परमिशंस थी, सब कुछ था। इस पे मैं एक बड़ा प्यारा सा एक है ना, कल एक नया बम है, कल एक नया बम मैं फोड़ूंगा सुबह 10 बजे, एक वीडियो का, एक वीडियो है गाइस, आप बने रहिएगा। एक बड़ा प्यारा बम है, वो कल सुबह 10 बजे ब्लास्ट करेंगे हम इस केस को लेकर। तो जहां तक मेरे को लगता है ना प्रिंस भाई, कि आर्टिस्ट को ये मतलब नहीं है कि गाड़ी कहाँ से आई, हवाई जहाज कहाँ से आया, बॉम्ब कहाँ से ब्लास्ट हुआ, गोली कहाँ से चली। आर्टिस्ट को एक्ट करना होता है शूट पर। तो मुझे लगता करेक्ट। है, हाँ, अपना पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि एल्विश ने वहां पे एक्ट किया, उसको स्नेक दिए, उसने स्नेक के साथ एक्ट किया। और फाजिलपुरिया ने भी क्लियर किया कि ये सारी चीजें, मैं सम्मान करूंगा फाजिलपुरिया का भी कि उन्होंने चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर किया।
और चीजें उस चीजों में फर्क भी आया हूँ उनसे, क्योंकि क्लैरिटी जी बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज को लेकर। जब तक आप बयान नहीं देंगे कि आपके साथ क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीजें सेटल डाउन होंगी, और कहीं ना कहीं हुई भी हैं। आप देखिए ना, इतना बड़ा ट्रायल चलने के बाद, इतनी एजेंसीज इन्वॉल्व होने के बाद, PFA इन्वॉल्व हो रही है, बाकी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके बाद भी 5 से 7 दिन के अंदर हम बाहर आ रहे हैं उन चीजों से, तो कहीं ना कहीं एक आपका एक जो कहते हैं ना कि आपकी इंटेंशन, जब आप गलत नहीं होते, आपकी इंटेंशन अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं एक सुपर नेचुरल पावर है हमारे ऊपर, एक भगवान बैठे हैं, अल्लाह बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस केस के अंदर भी वही हुआ कि जब इंटेंशन गलत नहीं थी तो रिजल्ट भी गलत नहीं होने थे। हाँ, एक थोड़ा सा हार्ड टाइम होता है, पर ये जो हार्ड टाइम है ये आपका गुड टाइम लेकर आता है। आप करेक्ट सीखते हैं बहुत कुछ, आपके कौन करेक्ट दोस्त हैं, आपके कौन दुश्मन हैं, आपने क्या गलतियां की, क्या आपको नहीं करनी थी, क्या चीजें करने से आप और बेहतर होंगे, ये बहुत सी चीजें हैं आप अपने जीवन में सीखते हैं इस हार्ड टाइम के अंदर। तो मुझे लगता है कि एल्विश ने भी बहुत लेसन लिए होंगे इन चीजों से। और बाकी मुझे लगता है यार, लाइव हमारा काफी लंबा चल गया, और जी मैं जी इन शॉर्ट में सिनॉप्सिस में बता देता हूँ फिर से। तो जो हमारी एलविश आर्मी है, सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। हम नोएडा स्नेक वेनम केस से बाहर हो चुके हैं, एलविश की बेल हो चुकी है, विनय की बेल हो चुकी है, ईश्वर की बेल हो चुकी है। विनय और ईश्वर होपफुली कल बाहर होंगे जेल से। एल्विश का गुड़गांवा का एक छोटा सा मसला है, वो भी हमारी गुड़गांवा हरियाणा की माननीय कोर्ट, रिस्पेक्टेबल कोर्ट कल क्लियर करेगी। सिस्टम पे आप भरोसा रखें, चीजों पे आप भरोसा रखें, पैनिक ना हो, यही प्यार बनाए रखें। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं शुक्रिया करना चाहूंगा एलविश आर्मी का, आप सभी का, मेरे ऑडियंस का, सभी लोगों का, कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, भरोसा बनाए रखा। बस मैं फिर वही बात बोलूंगा, आप सब्र रखिए, धैर्य रखिए, सब अच्छा होगा। थैंक यू गाइस। तो मेरे हिसाब से आज के इस लाइव में, इस अपडेट में सारी चीजें सॉर्टेड हैं, क्लियर हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा फोन पिछले 4-5 दिन से बार बार हैंग हो रहा था, मेरा इंस्टाग्राम ही काम नहीं कर रहा, इतने मैसेज आते हैं आपके, इतने DM आते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने सारे चीजें सॉर्ट की हैं, क्लियर की हैं, आपके सभी सवालों के जवाब दिए हैं। और मैं चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी है यार, इतने DM जेनवन आप DM करो, समझ में आता है। पर अब इतना एक्सप्लेनेशन देने के बाद, क्लियर करने के बाद भी अगर आप DM करोगे तो फिर थोड़ा सा एक अदरवाइज हो जाता है, फिर आप लोग कंप्लेंट भी करते हो कि मैं रिप्लाई नहीं करता, एटीट्यूड है या ऐसी इस तरह की बातें। यार इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है आपके सारी चीजें क्लियर करने की, और फिर भी कुछ रह गया हो तो एक बार दोबारा जुड़ लेंगे, कल का वेट करें आप लोग। थैंक यू ऑल, थैंक लव यू, यू, थैंक यू प्रिंस भाई, थैंक जय यू, हिंद। थैंक यू, जय हिंद।